ये आपका एक टॉपिक रैकरिंग डेसिमल, जिससे रेलवे एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इन बिटवीन आते रहता है। जब रैकरिंग डेसिमल का हिंदी पढ़िए लिखा हुआ आवर्ती दशमलव, तो इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मान जो एक सर्टेन सिस्टम में इन्फिनाइट टाइम्स आपका रिपीट करता रह जाए। जैसे आप देखते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रैकरिंग डिपॉजिट का एक अकाउंट होता है। रैकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट का अर्थ होता है कि उसमें आप प्रतिदिन कुछ रुपया जमा करते हैं, जो सेम रुपया पर डे जमा करना है, या पर मंथ के हिसाब से आप जो है सेम रुपीज़ जमा करते हैं। तो ये सब क्या है कि एक सर्टेन सिस्टम हुआ कि हम 100 रुपया प्रति मंथ जमा करेंगे, तो वो आपका जो है एक पीरियड उसका होगा, उतने साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, ये रैकरिंग डिपॉजिट होता है। आपके इसमें जो लिखा हुआ रैकरिंग डेसिमल, उसका अर्थ होता है रैकरिंग मींस एक सर्टेन सिस्टम बार बार आना, लेकिन ये इनफिनाइट का केस बन जाता है। जैसे एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन था 1/3 इक्वल्स टू व्हाट, कभी ऐसा इसका सॉल्यूशन निकाला गया तो 3 से 1 में भाग लगाया गया, भाग नहीं लगा तो पहले दशमलव पड़ा, ये 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, फिर 1, फिर 10, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 10 और फिर 3 3 9, ये आता रह गया। इसका अर्थ क्या है कि इस बार जो भागफल है वो एक सर्टेन क्रम में इन्फिनाइट टाइम्स आपका आता रहेगा इसी तरीके से। तो इसके लिए अब क्या लिखा गया कि अगर आपका भागफल कोशेंट जो है ये 0.333 आता रहे, तो बोला इसको जो है 0.3 लिखकर एक बिंदु ऊपर में दे दीजिए, इससे हम लोग समझ जाएंगे, या 0.3 लिखकर एक बार दे दीजिए, मीन्स एक छोटा सा लाइन ऊपर में दे दीजिए, तो आज यहीं से जो है रैकरिंग आपका स्टार्ट हो गया। मैंने कहा रैकरिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया कि जब एक सर्टेन भागफल कोशेंट किसी निश्चित क्रम में इनफिनाइट टाइम्स आपको जो है आता रह जाए, तो उसी को हम लोग आवर्ती दशमलव से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवर्ती दशमलव भागफल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, तो ये आवर्ती दशमलव है, ठीक है। अब आइए हम इसी आवर्ती दशमलव जो रैकरिंग डेसिमल है इसमें और डेप्थ में थोड़ा अभी जाएंगे, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सारे का चर्चा अभी हम लोग करेंगे और वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। आइए, जब हमारा भागफल ऐसा होता है, कैसा, तो 0.3333 ऐसा, या 0.212121 ऐसा, या 0.213213213 ऐसा, या आपका 0.34141 या 6.32727 ऐसा। तो बोले इतने प्रकार का सिचुएशन आपको रेज हो सकता है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोले 0.3 है और वो बार बार आ रहा है, तो इस पर एक बिंदु देंगे या 0.3 लिखकर एक लाइनिंग देंगे, इसको आप साथी में नोट भी करते चले जाइए। यहाँ रिपीटेशन देखना है, बोले 0.21 है और 2121 बार बार आ रहा है, तो दोनों पे एक बिंदु पड़ेगा एक एक, और यहाँ पे आप लाइन देंगे तो सीधा एक ज्वाइंट लेंथ ऐसा। आज यहाँ पे देखिए 213 का रिपीटेशन है, तो 213 लिखेंगे, ध्यान दीजिए बिंदु केवल शुरू लास्ट पे पड़ेगा, तो अंडरस्टूड है कि तीनों पर बिंदु है, तीन बिंदु नहीं पड़ता है, बस शुरू लास्ट पे पड़ेगा, तो बीच वाला अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। अब यहां से 0.213 पे लाइन देंगे तो सीधा एक लाइन ऐसे देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि 0.3 आया, दोबारा नहीं आया, 4141 का रिपीटेशन है, तो आप कैसे लिखेंगे, 0.3 लिखना पड़ेगा, 41 का रिपीटेशन है तो 41 पर एक एक बिंदु पड़ेगा, या आपका जो है इस प्रकार से 41 पर लाइनिंग पड़ेगा। जब हम इसके लिए सॉल्यूशन लेंगे तो 6.32727 का ये रिपीटेशन है, तो 3 27 यहाँ पर आपका 27 पर एक एक बिंदु दे दीजिए, 6.3 27 और इस पर एक लाइनिंग ऐसा दे दीजिए। ये हो गया कि जितने प्रकार का भागफल आपको आ सकता है, जिस तरीके से उसको रैकरिंग में लिखने का तरीका आपको मालूम हो गया। अब जब रैकरिंग में आप इसको डिनोट कर लिए, तो फिर हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ आइए, मैंने कहा क्वेश्चन बनाने के लिए अब ये जानकारी बिल्कुल जरूरी है। कैसे, देखिए बोले क्वेश्चन पूछेगा इसका मान, 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 ऐसा बस ये सीख लीजिए आपका काम हो जाएगा। कैसे बनेगा, तो बोले 7 लिखेंगे बट्टा में 9, 0.7 पे रैकरिंग, तो जिस पर रैकरिंग होगा उसके लिए बाय में 9 लिखा जाएगा। चलिए
आज सात एक लिखिए, दोनों पे रैकरिंग है तो दोनों के लिए एक एक नौ लिखेंगे, इसका आंसर हो गया। यही तो पूछता है, बोलता है इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करें, इसका मान क्या होगा, है ना, वो सब इसी तरीके से। बोले 314 तीनों पर बिंदु है, यहां दे नहीं सकते लेकिन तीनों पे अंडरस्टूड है, तो 314 तीनों के लिए एक एक नौ पड़ेगा। आज यहां पर फिल करेगा, इसको लिखने का तरीका अलग हो जाता है। बोले 216 लिखिएगा लेकिन दो पे रैकरिंग नहीं है तो उसको माइनस कर लीजिएगा, और बट्टा में 9 क्योंकि रैकरिंग है, 9 क्योंकि रैकरिंग है, 0 क्योंकि रैकरिंग नहीं है, तो 214 और बट्टा में 990। अब ये और कटेगा तो वो एक बात का मुद्दा है जो सिंपलीफिकेशन है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। बोले 2 से काटेंगे, 2 10 20, 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 4 8 और 2 9 18 और 2 5 10, और कटेगा तो और काट दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। ऐसा इसको जब डील करते हैं तो क्या नियम है, आप ये 6132 पूरा लिखेंगे, माइनस में 61 लिखेंगे, 61 और बाय में ध्यान दीजिए 9 क्योंकि रैकरिंग है, 9 क्योंकि रैकरिंग है, 0 क्योंकि रैकरिंग नहीं है, बस इसके आगे उस तरफ नहीं बढ़िएगा। इतने सिस्टम को अगर समझ लेते हैं तो बोले इसमें क्या है, एक्चुअल में तीन सिस्टम होता है, एक सिस्टम आप देख रहे हैं ये वाला, एक सिस्टम ये वाला, एक सिस्टम ये वाला, तो बस यही आपको तीनों को सीख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पर भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 2 में से 1 और 13 में से 6 गया 7, 13 में से तो ये 60 हो गया, और बाय में 990। अगर ये और कटेगा तो इसको और काटा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, आप सारे छात्रों के मन में एक बात इस जगह पर आया होगा कि आखिर ये जो सिस्टम यहां पर दिखा जा रहा है कि कभी 9 लिखते हैं, कभी डबल 9 लिखते हैं, कभी ट्रिपल 9 लिखते हैं, कभी 990 लिख देते हैं, है ना, कभी इसमें से इसको लेस कर देते हैं, ये 990 लिखते हैं, इसके लिए नहीं लिखते हैं, आखिर ये सब का कारण क्या है, वो आपको दिखेगा। तो इसका कारण आपको हम स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन इतने नॉलेज से आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा, कारण भी हम आपको दिखाएंगे। अब आइए, एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे देता है, जैसे लिख दिया 7.387 ऐसा, और प्लस में लिख दिया है 6.435 ऐसा ये, और बोलता है इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन जो रहेगा वो आपको रैकरिंग में ही रहेगा, ऑप्शन कैसा रहेगा, रैकरिंग में रहेगा। बोले इसको डील करने का क्या तरीका है, 7.387 में आपका 7.3 लेस हो जाएगा, जो नियम अभी बताए थे, है ना, 7.3 लेस हो जाएगा, ये 7.3 और 990 तक जाएगा, 990। चलिए, और प्लस यहाँ पे 6.435 माइनस में 64 और बट्टा में 9990, बस उधर तो जाना नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपका क्या है, 990 तो एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या है, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 7 1 3 7, और फिर यहाँ से 5 में से 4 गया 1, 13 में से 6 गया 7, ये 3 बन जाएगा और ये 6। हम तो फास्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन एक बार अपने भी कर लीजिएगा, बाय द वे मिस्टेक हो सकता है। 4 1 5 हो गया, फिर आपका 7 1 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, और बट्टा में 990। अब बोले आप यहाँ पे 990 से इसको भाग लगाते हैं 13685 को, तो क्या होता है, एक चांस लगता है जो 990 यहाँ पर आ जाता है, 8 होता है, 16 में से 9 जाएगा 7, 12 में से 9 जाएगा 3, और फिर यहाँ पे 3 फिर पहले 5 आएगा। चलिए, जब यहाँ पे 5 आ जाएगा तो कितना चांस लग सकता है, बोले ये 1000 है तो 3 चांस ही लग सकता है, तो 3 कर लेते हैं, तो 0 3 9 27 और 3 9 27 और 2 29। अब यहाँ से ये तो 5 हो गया, ये 1 हो गया, 17 में से 9 गया 8, फिर यहाँ पर आपका जो है दशमलव पड़ेगा, ये 0 पड़ेगा, 9 से 9 9 81 लेकिन 8 चांस लगेगा, तो 0 8 9 72, 8 9 72 और 7 जोड़ लेंगे 79, फिर 0 ये 3 है, 11 में से 9 चला जाएगा 2 और 7 ऐसा। अब दशमलव पड़ गया, एक 0 पड़ेगा, फिर यहाँ पे 990 से एक चांस लगेगा, तो 990 नहीं 990 से 2 चांस लग जाएगा ना। चलिए, तो ये तो भाग है, आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दो चांस लगाते हैं, तो आपका 0 2 9 18, 2 9 18 एक 19 हो गया, 1980 ये घटा लेंगे तो आपका क्या आएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बोले 0 हो गया और फिर आपका 10 में से 8 गया 2 हो गया, और ये आपका जो है 12 में से 9 गया 3 हो गया, फिर 0 बैठ गया, इसको जो है भाग लगाना है उसी 990 से, तो 990 से जब लगाएंगे तो इसमें कितना चांस लगेगा वो यहाँ लिख देते हैं, 9 3 27 और यहाँ 9 3 27 29, 3 चांस लग जाएगा। ये रिपीट शायद हो रहा है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, 3 9 27 3 9 27 और 2 29 हो गया, फिर यहाँ से 0 10 में से 7 गया 3, 11 में से 9 चला जाएगा 2, और फिर ये आपका ऐसा,
फिर 990 के लिए आपका जो है ना 2300 के लिए, आप देखिए यहाँ पर रिपीटेशन शायद हो रहा है कि इसके लिए फिर आपका जो है ना 9 × 27 आपका कितना, 2 चांस लगेगा, और यही 2 चांस फिर हम लगाते हैं तो 1980 आता है, 1980 जब आएगा तो फिर ये घट करके वही आपका 320 बनेगा ऐसा, तो फिर 3 चांस लगेगा। मीनिंग शायद इस जगह पर ये पता चल रहा है कि आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका रफ वर्क तो ये हो ही गया 13.82323 ऐसा ये आता रहेगा। तो हम लोग तब इसको लिखेंगे 13.8, देखिए 2-3 का रिपीटेशन हो गया तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया इसी सिस्टम से। लेकिन अब यहाँ पर ये तो हम फास्ट में कैलकुलेशन किए, बोले आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया इस तरीके से जब बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आंसर है, तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ नहीं करना देंगे, आप अपना टेक्निकल यूज करेंगे। कैसे, तो बोलिए 7.387 है ना, 87 इसको देख लीजिए, 7.387 पे रेकरिंग है तो हम इसका अर्थ समझते हैं 87 ऐसा, और ये 6.435 है, 6.435 और 35 पर रेकरिंग है तो 35 को बार बार लिख दीजिए। हम इसको जोड़ेंगे तो बोलिए 7, 5, 12 होगा, 8, 3, 11, 1, 12 होगा, 7, 5, 12, 1, 13 होगा, 8, 3, 11, 1, 12 होगा, 7, 5, 12, 1, 13 होगा, 8, 3, 11, 1, 12 होगा, 4, 3, 7, 1, 8 होगा और 7, 6, 13 होगा। अब इसको देखे तो 13.8 और 2, 3, 2, 3 ये भी 2, 3 है, अगर थोड़ा और आगे 8, 7, 3, 5 ले तो एक हासिल इसको 3 बना देगा, तो यहाँ पर आपका 2, 3 का रिपीटेशन है तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी बन जाता है 13.823 13.823। तो आपके लिए वहाँ पर वो सॉल्यूशन सही नहीं है, इसके लिए ये ट्रिक अडॉप्ट करिएगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो हम क्या बोले कि इस तरह के बड़े बड़े नंबर्स को प्लस माइनस करने के लिए जब भी बोलता है तो आप क्या करते हैं, उसका दशमलव के बाद में 6-7 अंक इसके रिपीटेशन के अनुसार आप लिखते हैं, 6-7 अंक लिखिएगा, ज़्यादा लिखने का काम भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं लिखिएगा, है ना, 6-7-8 अंक अगर आप लिख लेते हैं और इसको जोड़ेंगे तो सही रिपीटेशन का अंदाजा मिलेगा। इसलिए दशमलव के बाद में 7-8 अंक रहने दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो आप इतना काम नहीं करेंगे, इतना जल्दी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रैकरिंग। अब आइए हम कारण पर ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा इस सिस्टम से कैसे, एक एग्जांपल और आपको हम लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 समथिंग ऐसा, ये अब सभी पर रैकरिंग है और क्वेश्चन बोला इसका मान क्या होगा। बोले ये क्या है, सभी का तो बट्टा में 9 ही है तो 9 एक ही बार लिख देते हैं, 4+5+6+9+7 ऐसा। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22 बट्टा में 9, और 9 × 18 होता है, 4 × 4 = 40 बन जाता है, 9 × 4 = 36 होता है, फिर 40 तो 9 × 4 = 36 9 × 4 = 36 ऐसा। मीनिंग है आप 2.4 पर रैकरिंग ऐसा लिख सकते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको डील कर सकते हैं। अब बोले यहाँ पर क्या है कि 0.444 ऐसा आएगा, ये आपका 0.555 ऐसा आएगा, और ये आपको 0.666 ऐसा आएगा, और 0.777 ऐसा आएगा। जब हम इसको जोड़ते हैं इस जगह पर तो 6, 4, 10, 5, 15, 7, 22 होता है, और 22 + 2 = 24 होता है, फिर 22 + 2 = 24 होता है, 24 ऐसा। मीनिंग है आप देखिए 2.44 आ रहा है ऐसा करके, है ना, तो 2.44 ये भी 4 है, अगर आगे से हासिल लेंगे तो ये भी 4 होगा, तो ये आपका ऐसा करके आंसर हो जाता है। इसी हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आइए रीजन, कारण वो हम दिखाते हैं, क्या कारण है। जैसे देखिए अगर बेसिक सॉल्यूशन में जाते हैं, जैसे क्वेश्चन बोले कि 0.2 रैकरिंग इक्वल्स टू व्हाट, बोले आंसर तो बिना बनाए आप तुरंत में भरबली बोल सकते हैं कि इसका आंसर 2/9 होगा। क्यों होता है 2/9, तो इसका सॉल्यूशन क्या कहता है वो चीज देखिए। बोलिए हम x के इक्वल इसको मानेंगे और x इक्वल्स टू 0.2 पे रैकरिंग है तो ये 2 आएगा, एक अंक पर रैकरिंग है, चूंकि एक अंक पर रैकरिंग है तो आप दशमलव को एक अंक पहले लाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x होगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे डेसिमल पर जाएगा और ये आपका 2, 2, 2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है ना इसमें से इसको लेस करिएगा, बोले इक्वेशन 2 से ये लेस होगा तो ये 9x बनेगा, और 2.2 वाला 0.2 वाला सब कटेगा तो 2 − 0 = 2 बनेगा, इससे x का मान आपको 2/9 होगा। x किसको माने थे तो 0.2 पर रैकरिंग को, और उसका मान हो गया 2/9 जो आपका आंसर आया था। ये एक टाइप आपको हम दिखा दिए, एक टाइप अभी और दिखा देते हैं तो उससे मिक्स टाइप का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा।
बोले 0.37 है और आपका इस पर रैकरिंग है इक्वल टू व्हाट, तो अगर इसको बनाते हैं तो आंसर हम क्या देते हैं 37 - 3 और बट्टा में 90, 37 - 3 बट्टा में 90, तो 37 में 3 जाएगा तो 34 और बट्टा में 90, 2 से कटता है काट देंगे अलग मुद्दा है ऐसा करके। लेकिन अगर हम इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं तो बोलिए आज एक्स बराबर में 0.37 मानेंगे, 7 पे रैकरिंग है, इसका अर्थ होता है एक्स बराबर में 0.37 ऐसा, ठीक है। अब इसमें दो जाती है, जैसे एक रैकरिंग नहीं हुआ और एक रैकर्ड हुआ, मींस एक बार बार नहीं आया एक बार बार आया, तो उसको पहले बायफर्केट करेंगे, तो आज दशमलव यहां पे पहले पड़ेगा जिसके लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा, दशमलव एक अंक पहले पड़ जाएगा 3.77 ऐसा लिखाएगा। अब ये 7 का एक का रैकरिंग है इसलिए ये दशमलव यहां लाने के लिए इसको फिर 10 से गुणा करेंगे 100x बनेगा, दशमलव यहां पड़ गया। चलिए अब इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, यहां पर बोले 100 में 10 भेज कट घटाइए 90x होगा और ये 0.7 कटेगा, 37 में आपका 3 घटेगा, अब इससे x का मान निकालेंगे तो 37 - 3 / 90 होगा, x क्या था तो 0.37 और इस पर रैकरिंग जो आपका 37 - 3 और बट्टा में 90 आ गया, अगर बढ़ाया जाएगा तो फिर वही बात है 34 / 90 और आपका 17 / 45। तो चलिए ये आपका रीजन है ना, रीजन कि क्यों हम वैसा करते हैं, ये सब हम लोग क्लास 6 में परहैप्स पढ़े हुए हैं, ऐसा मैथ्स में पढ़ाया जाता है, यही बेसिक मेथड ऐसा। लेकिन आप चूंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वहां पर समय बचाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा इसका मान क्या है, तो ये कुछ भी नहीं करना है, इसका मान के लिए 37 लिखेंगे, 3 पर रैकरिंग माइनस करेंगे 9 और 0, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है, इसको सॉर्ट कर लीजिए फाइनल। तो इसी प्रकार से आप रैकरिंग डेसिमल को इजीली डील कर सकते हैं, और रैकरिंग डेसिमल से एक क्वेश्चन जब रेलवे में पूछेगा, एसएससी में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी के टीचर्स में पूछेगा, बिहार एसएससी में पूछेगा जो इंटर लेवल है उसका ग्रेजुएट लेवल है, तो इस प्रकार से किसी भी जगह पर आपका पूछेगा, और भी स्टेट का एग्जामिनेशन अगर कुछ आप देते हैं तो वहां पर भी पूछेगा, तो उन सारे जगह पर एक क्वेश्चन देगा और वो नंबर आपका होगा। इसी प्रकार हम फिर मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक को लेकर के, लगातार हम लोग जो है लाइव क्लास करते हैं, आप सारे बच्चे इससे जुड़े रहिए, ठीक है। हमारा इसके लिए एक ऐप दिया गया है जिससे आप जुड़े हुए हैं, कैरियर एडुकेशन ऐप ऐसा, तो ये जो कैरियर एडुकेशन ऐप है इसी एप्लीकेशन पे आप जो है क्लास ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। इसको जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में है ना, जो कोर्स आपको खरीदना हो, बहुत सारा कोर्स उसमें दिया हुआ है, उस कोर्स है परचेज करते हैं, वहां बाय का ऑप्शन आता है, पेमेंट करके आप जो है ना वो कोर्स परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने के बाद में जैसा कोर्स है, किसी में 6 मंथ्स का वैलिडिटी, किसी में 12 मंथ्स का वैलिडिटी, किसी में 18 मंथ्स का वैलिडिटी, किसी में 24 मंथ्स का वैलिडिटी, मीन्स ये पूरे 2 साल हो गया, ये आपका 1.5 साल हो गया, वो 1 साल हो गया ऐसा, और वो आधा साल हो गया, तो इस प्रकार से जो है ना आपका वैलिडिटी रहता है, मीनिंग है आप उस समय में जो वैलिडिटी पीरियड है जब परचेज करेंगे वहां से पूरे वहां तक का, उसमें जितने बार आपको जो है ना जो भी क्लास हो चुका है उसका वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, इस टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आपको उसमें पीडीएफ दिया रहता है, प्रश्न पत्र जो बोलते हैं असाइनमेंट का, तो वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे, और किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी होगा तो 8409951743 इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ये आपका यहाँ का व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप से आप आराम से जो है क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी करना होगा एडमिशन रिगार्डिंग तो 9334360334 ऐसा, और आपका 0612-2300-323-2300-323 ऐसा, तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर हो गया, आप इस पर किसी भी प्रकार का इंक्वायरी करना चाहेंगे तो इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन भी आपको दिया गया और हम लोग आज के क्लास में पढ़ लिए रैकरिंग डेसिमल, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।